चुनावी गठबंधन के लिए लगातार प्रयास कर रहे अखिलेश यादव एक बार फिर से महागठबंधन की विसात पर दांव लगाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि वे कांग्रेस जैसी पार्टियों को एक साथ कैसे लाएंगे। इसके जवाब पर ही गठबंधन की इमारत खड़ी होगी। सीटों को लेकर कांग्रेस के बड़े दावों को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि बड़े दलों के साथ गठबंधन की राजनीति सपा के लिए बहुत आशाजनक नहीं रही है, लेकिन ये भी सच है कि अपने गठबंधन के तुरंत बाद ही सपा ने बसपा के साथ अपना पहला चुनावी गठबंधन कर यूपी में सत्ता का स्वाद चख लिया था। इसके अलावा ये भी सच है कि अकेले बूते सपा लोकसभा में 38 सीटों तक जीत कर सबको चौंका चुकी है। अखिलेश यादव के हाथ में जब सपा की कमान आई तो उन्होंने बड़ा निर्णय लेते हुए कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे अब पटना में एक मंच पर साथ साथ बैठे दिखाई दिए, वैसे लखनऊ में 2017 में सजे मंच पर भी दिखे थे। दो लड़कों व दो युवाओं की दोस्ती का नाम देकर सपा कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन निचले स्तर पर शायद दिल नहीं मिला पाए। मोदी की लहर में अखिलेश यादव की न उपलब्धियों पर वोट पड़े और न ही कांग्रेस के साथ बिछाई गई जातियां समीकरणों की विसात का कुछ असर दिखा। लोकसभा चुनाव में 26 साल बाद मुलायम और मायावती एक साथ हुए और बुआ भतीजा मिलकर 2019 के लोकसभा चुनाव समर में उतरे। यहाँ भी दल तो मिल गए लेकिन समर्थकों का दिल नहीं मिल पाया। यूं भी निचले स्तर पर सपा व बसपा कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं बैठा पाए। सपा का दावा है कि उसका वोट बैंक तो बसपा प्रत्याशियों को ट्रांसफर हो गया है, लेकिन बसपा के वोटरों ने सपा प्रत्याशियों को वोट नहीं किया। बसपा ने सपा के इस दावे के उलट कहा कि सपा ने उसे सहयोग नहीं किया। अविश्वास की खाई चौड़ी हो गई और दोनों दल फिर आमने सामने हो गए।